तो ये रहा फिलहाल आज हम तक केशव महा पूरा और ये रहेंगे। हाय गाइस, दिस इज गौर एंड यू आर वाचिंग गौर सिंह ब्लॉग। तो अभी का सीन ऐसा है कि हमने अभी एक वाला ब्लॉग एंड किया है, अभी फिलहाल मैं देहरादून में हूँ, वाला ब्लॉग एंड करके ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बस इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलहाल कैसा सीन है कि पहुँच गया है रॉबर्ट्स केव, जो कि फिर जस्ट आगे है, तो बस सीधे एंट्री लेते हैं और रॉबर्ट्स केव की तरफ चलते हैं। तो ये रहा गेट रॉबर्ट्स केव का, अंदर चलते हैं। रॉबर्ट्स केव में एंटर होते ही कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, यहाँ पे झूले वगैरह और ये छोटा सा वाटरफॉल के झरना। पहुँच गया रॉबर्ट्स केव, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी भीड़ है, अंदर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। यही लास्ट था यहाँ का, रॉबर्ट केव का झरना है अंदर, और कुछ नहीं है। और ऊपर तरह चलते हैं, ऊपर से सीन देखते हैं कैसा क्या चल रहा है, तो ऊपर चलते हैं। तो भाई झरने के ऊपर आ चुका हूँ फिलहाल, और झरने नीचे लोग नहा रहे हैं, और आगे कुछ नहीं है, बहुत ऐसे कैंटीन वगैरह और जंगल है आगे। सुबह सब यहीं से रिटर्न होंगे हम लोग। सबसे अंदर यार कुछ नहीं, बस आखिरी में एक ही कैंटीन है, और उसके बाद बस सब ऐसा ही है, पानी दे रहा है हर जगह से, और बस बीमार से रिटर्न होते कुछ है ही। 3 hours later फिलहाल आए हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, और नीचे चलते हैं यहाँ से। फिलहाल आ चुका हूँ टपकेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर, और यहाँ से मंदिर का रास्ता, तो चलते हैं। तो फिलहाल दर्शन करके आ चुके हैं, और बस अब ऑटो की तरफ चलते हैं, जो हमें दूसरी जगह लिया चलेगा। तो चलो निकलते हैं, फिलहाल निकलते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर से, और कहीं और चलते हैं जहाँ हमें भैया लिया चलते हैं। तो चलो फिलहाल भाई टपकेश्वर महादेव मंदिर से आ चुके हैं बुद्धा टेम्पल, उस तरफ तो हमारी एंट्री नहीं मिल रही, जो है सामने यहाँ पे एंट्री है, तो धरी के दर्शन करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो है कुछ ऐसा है यहाँ पे, काफी सुंदर तगड़ा लग रहा है। 3 hours later फिलहाल आ चुके हैं तिब्बतियन मार्केट, और ये देखो मेरे पीछे जस्ट लगी हुई है। तो चलो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। फिलहाल मेरी तबीयत घूम घूम के डाउन हो चुकी है पूरी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार सी लग रही है, देखते हैं जाके दवा वगैरह कुछ लेंगे। तो चलो थोड़ा सा मार्केट घूम लेते हैं, फिर निकलते हैं होटल के लिए। ये रहे पूरी तो बच्चे मार्केट, ऐसी ही है पूरी मार्केट, कपड़े कपड़े की काफ़ी दूर तक, तो बस और कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ, तो बस अगर कुछ दिखता है दिखाने के लिए तो दिखाता हूँ। The next day. Hi guys, good morning. अभी फ़िलहाल मैं हूँ देहरादून पे, कल आया हुआ था देहरादून, तो पूरा देहरादून घूमा जो भी था मेन थोड़ा बहुत। और बस अभी का प्लान ऐसा है कि निकल रहे हैं हम लोग हरिद्वार के लिए, वहाँ पे हमें, वहाँ से हमारी ट्रेन है, और मनसा देवी वगैरह भी होना है वहाँ पे,
तो बस रेडी हो चुके हैं पूरे और निकलते हैं। बैग भी पैक है, पीछे रखा हुआ है, और थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ, फिर निकलते हैं। तो भाई कुछ इस तरह का रूम है हमारा, एसी भी है, सब वर्किंग कंडीशन पे, फैन भी है, टीवी भी है, और ये सब है सब वर्किंग कंडीशन पे। तो ये रहा मैं, और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, गीजर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और उसमें सोप भी है। बस यही था थोड़ा सा रूम टूर, और बस अब फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और रास्ते पे मिलते हैं। चलो, तो फिलहाल कैसा सीन है, ISBT से हमने बस पकड़ ली है और बस में बैठा हुआ हूँ, निकलता हूँ अरे जवाब, रास्ते में थोड़ी बहुत शॉर्ट के जाऊँगे बस। तो चलो निकलते हैं हरिद्वार के लिए। 3 hours later फिलहाल हरिद्वार पहुँच गए हैं, और पीछे सीन देखो, गंगा माता और वो महादेव, और उधर पीछे हर की बॉडी है पीछे बस। तो चलो चलते हैं और नहाते आते हैं। भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी घंटाघर के पास, और देखो यहाँ भाई काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है, हद से ज़्यादा भीड़ है यार। तो आज गंगा दशहरा है कि उसमें तो और ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं, नहाते हैं यहाँ पे, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। तारीख है तो निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा है।